आगे बढ़ेंगे। इलेक्शन की तारीख का इख्तियार सदर मुमलिकत से वापस, इलेक्शन कमीशन देने का बिल कसरत राय से मंजूर। सेनेट ने इलेक्शन एक्ट 2017 के शिक 57 और 58 में तरमीम का बिल मंजूर कर लिया। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन की तारीख सदर से इलेक्शन कमीशन को मुंतकिल करने की मुखालफत की। मजीद तफसीलात जानते हैं वकार सैयद से। वकार बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से जो इलेक्शन एक्ट की शिक जो 57 और 58 थी उसमें जो तरामीम है वो सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो मंजूर कर ली है और ये कसरत राय से मंजूर हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस तरामीम की जो है मुखालफत की गई है, जबकि जो आज सेनेट के इजलास में जो तरामीम थी उस पर पार्लियामानी कमेटी की मंजूरी के बाद जो है वो पेश की गई है और उसमें जो 57 है उसके तहत इलेक्शन कमीशन को अब ये इख्तियार हासिल होगा कि वो पोलिंग डे का तकरर कर सके और 58 जो है इलेक्शन एक्ट की जो 2017 की शिक है उसके तहत इलेक्शन कमीशन किसी भी शेड्यूल में जो है वो रद्दोबदल कर सकता है। जबकि इससे कबल जो है ये इख्तियार सिर्फ सदर पाकिस्तान के पास और गवर्नर के पास था कि वो असेंबली डिसॉल्व होने या असेंबली की मुद्दत खत्म होने पर जो है वो इलेक्शन की तारीख यानी पोलिंग डे का तकरर करते थे। जबकि इसके अलावा जो है वो इससे कबल इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक दफा इख्तियार का इस्तेमाल किया गया और पंजाब की तारीख।